वेलकम टू मास्टरिंग एमएस वर्ड विद कोडेनिक्स। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कि हम किस तरीके से किसी भी टेक्स्ट को फॉर्मेट कर सकते हैं। मतलब हमारे पास कोई भी टेक्स्ट है, हम उसको डिफरेंट जो फॉर्मेट्स हैं या फॉर्मेट टेक्निक्स हैं उसको यूज करते हुए उस जो वर्ड के डॉक्यूमेंट में हमने कोई भी टेक्स्ट लिखा है उस टेक्स्ट को हम किस तरीके से चेंज कर सकते हैं। सबसे पहले आपके पास ये एक डॉक्यूमेंट में एक सेंटेंस लिखा हुआ है, वेलकम टू मास्टरिंग एमएस वर्ड विद कोडेनिक्स। हम वन बाय वन इसको चेंज करके देखते हैं कि जो फॉर्मेटिंग की टेक्निक्स हैं उनको यूज करके। सबसे पहले हम देखते हैं कि हम किस तरीके से इसका फॉन्ट चेंज कर सकते हैं। फॉन्ट जो होता है बेसिकली ये जो आपका टेक्स्ट है इसमें अल्फाबेट्स का जो साइज होता है वो उसका फॉन्ट कहलाता है। अब हम फॉन्ट किस तरीके से चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट्स जो होते हैं वो आपके जो टेक्स्ट में अल्फाबेट्स हैं उनका स्टाइल होता है। अब अगर हम सबसे पहले इसका फॉन्ट चेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए मैं इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करूंगा और सिलेक्ट करने के बाद सिंपली इस जो कैलिबरी बॉडी लिखा हुआ है जिस बॉक्स में उस पर क्लिक करूंगा। अब ये आपका फॉन्ट चेंज करने का मेथड है। अगर आप इस पर हॉवर करें, हॉवर करने से आपको ये पता चलेगा कि आप इसकी शॉर्टकट की जो है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एफ को अगर आप प्रेस करेंगे तो भी आप यहाँ पे मूव कर सकते हैं। इस पर क्लिक करता हूँ, इस पर क्लिक करने के बाद आपके पास ये डिफरेंट फॉन्ट्स जो हैं वो शो हो रहे हैं। इसमें जो है ये आपके पास बार कोड का भी है और डिफरेंट और भी आपके पास फॉन्ट्स शो हो रहे हैं। आपको जो फॉन्ट जरूरी चाहिए आप उस फॉन्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, जो आपके टेक्स्ट का फॉर्मेट है वो आपके जो आपने सेलेक्ट किया है फॉन्ट उस फॉर्मेट में उसका फॉन्ट जो है वो चेंज होने लगा। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ये फॉन्ट है हमारे पास अल्जीरियन, इस पर क्लिक करता हूँ तो क्लिक करने से हमारा जो पहले फॉन्ट था वो कैलिबरी बॉडी था, उसके बाद अब ये चेंज होके क्या हो गया हमारे पास, इसके बाद है जी फॉन्ट स्टाइल। अब हम किस तरीके से जो फॉन्ट स्टाइल है उसको चेंज कर सकते हैं। फॉन्ट स्टाइल को चेंज करने के लिए आप इस डेटा को सिलेक्ट करें जो आपके पास ये सेंटेंस लिखा है, इसको सिलेक्ट करने के बाद एक फॉन्ट स्टाइल ये है कि अगर आप इसको बोल्ड करना चाहते हैं तो आप किस तरीके से करेंगे। आप इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करें, सिलेक्ट करने के बाद फॉन्ट के टूल बार ग्रुप में यहाँ पे बी लिखा हुआ है, बी फॉर बोल्ड। अगर आप बी पे क्लिक करेंगे तो आपका जो फॉन्ट है वो बोल्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर आप इसको जहाँ पे क्लिक करने के अलावा आप कम्बिनेशन की के साथ बोल्ड करना चाहते हैं तो आपको कंट्रोल प्लस बी प्रेस करना है तो आपका जो डाटा है या जो भी टेक्स्ट है वो बोल्ड हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि ये आपका इसका जो फॉन्ट स्टाइल है वो इटैलिक बॉडी में चेंज हो जाए, इटैलिक जो होता है वो टिल्टेड फॉर्म में, तो आप ये आई पे क्लिक करेंगे तो आपका जो टेक्स्ट है वो इटैलिक फॉर्म में आ जाएगा। और इसकी कम्बिनेशन की है कंट्रोल प्लस आई, आप इस पे आई पे क्लिक करें तो ये आपका इटैलिक फॉर्म में आ जाएगा। कंट्रोल जी करके इसको अंडू करते हैं इस फॉन्ट स्टाइल को। अगर आप कॉम्बिनेशन की से करना चाहते हैं तो भी सिलेक्ट करें इस टेक्स्ट को और कंट्रोल प्लस आई प्रेस करेंगे तो आपका ये टेक्स्ट जो है वो किस में चेंज हो जाएगा, इटैलिक फॉर्म में चेंज हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप इस टेक्स्ट को अंडरलाइन करना चाहते हैं तो अंडरलाइन करने के लिए आप आई के साथ यहाँ पे आपके पास यू लिखा हुआ है और यू के नीचे लाइन है, अगर आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपका जो टेक्स्ट है वो अंडरलाइन हो जाएगा। कंट्रोल जी करते हैं और इसके अलावा इसकी जो कॉम्बिनेशन की है वो है कंट्रोल प्लस यू। अगर आप कंट्रोल प्लस यू टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के बाद प्रेस करेंगे तो आपके टेक्स्ट का जो फॉर्मेट है उसका फॉन्ट जो है वो अंडरलाइन हो जाएगा, सारे का सारा टेक्स्ट जो है वो अंडरलाइन हो जाएगा। इसके बाद है जी फॉन्ट कलर चेंज किस तरीके से कर सकते हैं। उसके लिए आप इस सारे के सारे डेटा सेट को या जो टेक्स्ट है आपका इसको सिलेक्ट करें, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपके पास ये ए लिखा हुआ है, इट मींस फॉन्ट कलर, आप देख सकते हैं उस पर क्लिक करने के बाद जहां पे आपके पास ए लिखा हुआ इट मींस ए इज अल्फाबेट, अल्फाबेट्स से मिलकर वर्ड्स बनते हैं और वर्ड्स मिलकर टेक्स्ट बनाते हैं। अब ये जो है हमारे पास एक टेक्स्ट है, इस टेक्स्ट को अब इसके जो फॉन्ट है उसको मैं कलर देना चाहता हूं तो यहां पे मैं इस पे क्लिक करूंगा ए पे, और ए पे क्लिक करने के बाद जो भी मैं यहां पे कलर जो है उस पे क्लिक करूंगा वो मेरे जो डाटा सेट में मौजूद टेक्स्ट है उसका कलर वही हो जाएगा। अब इस पे मैंने क्लिक किया तो मेरे डाटा सेट में मौजूद जो टेक्स्ट था उसका कलर चेंज हो गया। इसके अलावा आप डाटा सेट को सिलेक्ट करने के बाद आप ऊपर जाने के बजाय जो फॉन्ट का टूल बार ग्रुप है उसमें जाने की बजाय आप इस डाटा सेट को सिलेक्ट करने के बाद इस डाटा सेट पे हॉवर करें, हॉवर करने के बाद आप जब इस पे मूव करेंगे तो आपके पास ये एक टूल बार ग्रुप शो हो जाएगा फॉन्ट्स का, तो यहाँ से भी आप जो आपके डाटा सेट का कलर है आप उसको चेंज कर सकते हैं।
इसके बाद है जी फॉन्ट साइज। आप फॉन्ट्स के साइज को इंक्रीज भी कर सकते हैं और डिक्रीज भी कर सकते हैं। आपके पास ये फॉन्ट के साथ आपके पास ये नंबर शो हो रहा है, ये जो है ये फॉन्ट साइज को शो करता है। अब फॉन्ट साइज को आप बढ़ाना चाहते हैं या कम करना चाहते हैं, आप इस पे एरो साइन पे क्लिक करें। करने के बाद आपको ये जो 8 से ऑनवर्ड जो सारी की सारी जो फॉन्ट साइज हैं वो आपको शो हो रही हैं, क्योंकि आपने इसको टेक्स्ट को सिलेक्ट की गया है। तो आप जिस फॉन्ट साइज पे क्लिक करेंगे आपको आपका जो टेक्स्ट है वो उसी के अकॉर्डिंग चेंज होता शो हो जाएगा। तो आप इसके ज़रिए से भी अपने टेक्स्ट को आप फॉन्ट साइज को आप अपने टेक्स्ट के फॉन्ट साइज को चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा एक के ऊपर अप साइड पे एरो साइन है और एक पे डाउन साइड वाला एरो साइन है। अप साइड वाला शो करता है कि फॉन्ट का जो साइज है वो इंक्रीज हो रहा है, डाउन साइड वाला जिस पे एरो है वो बताता है कि फॉन्ट साइज डिक्रीज हो रहा है। आप सिंपली इन पे भी क्लिक करते हुए अपने डाटा सेट में मौजूद फॉन्ट के साइज को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप चाहते हैं कि आप अपने टेक्स्ट को हाईलाइट कर दें, तो उस टेक्स्ट को हाईलाइट करने के लिए आपने इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद जब आप ये आप टेक्स्ट हाईलाइट कलर वाले जो ब्रश है इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आप किसी भी कलर पे अगर आप क्लिक करते हैं तो वो कलर आपके फॉन्ट के बैकग्राउंड पे आपके टेक्स्ट के बैकग्राउंड पे एज अ हाईलाइटर जो है वो शो हो जाएगा। इसके बाद है कि आप किस तरीके से किसी भी टेक्स्ट का केस जो है वो चेंज कर सकते हैं। केस मीन्स अपर केस, लोअर केस, टॉगल केस और जो इस तरह के केसेस हैं, आप किस तरीके से इस टेक्स्ट का केस चेंज कर सकते हैं। उसके लिए आपने इस डाटा सेट में मौजूद जो भी टेक्स्ट है उसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपके पास फॉन्ट वाले जो टूल बार ग्रुप है उसमें ये चेन केस वाला ऑप्शन मौजूद है, इस पे जब आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको नीचे ऑप्शंस शो होंगे। सेंटेंस केस में आपने चेंज करना है, लोअर केस में, अपर केस में, कैपिटलाइज्ड ईच वर्ड, टॉगल केस, हाफ विर्थ, फुल विर्थ। अब मैं वन बाय वन तमाम पे क्लिक करके दिखाता हूँ। अगर ये सेंटेंस केस में करना है क्योंकि यहाँ पे मेरे पास जो फुल स्टॉप है वो लगा हुआ है, इसको सारे डाटा सेट को सिलेक्ट करता हूँ। सेंटेंस केस में करना है, लोअर केस में करना है तो सारे का सारा डाटा सेट लोअर केस में आ जाएगा। अपर केस में करना है तो सारे का सारा डाटा सेट अपर केस में आ जाएगा। कैपिटलाइज ईच वर्ड करना है तो सारे का सारा जो ईच फर्स्ट वर्ड है वो कैपिटलाइज हो जाएगा। टॉगल केस करेंगे तो सारे का सारा जो डाटा सेट है वो टॉगल हो जाएगा। टॉगल केस क्या होता है कि आपका जो फर्स्ट अल्फाबेट है वो स्मॉल लेटर में हो और जो बाकी के तमाम जो अल्फाबेट्स हैं वो आपके कैपिटल लेटर्स में मौजूद हों। उसके अलावा अगर आप हाफ विर्थ करना चाहते हैं, इसके अलावा अगर आप फुल विर्थ करना चाहते हैं तो फुल विर्थ पे क्लिक करेंगे और आपका जो डाटा सेट है और टेक्स्ट है वो फुल विर्थ में आ जाएगा। अगर आप इसको हाफ विर्थ में करना चाहते हैं तो आपका जो टेक्स्ट है वो श्रिंक होके हाफ विर्थ में चेंज हो जाएगा।